हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली टीनेजर्स के लिए है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ जो स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी वो टीनेजर्स के लिए है। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगा और सबसे खास बात इसमें मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए वो सब के सब अच्छे क्वालिटी के होंगे। प्राइस की बात करूँ तो बेशक ये मैंने जैसे कहा ये अंडर 50 रुपीज़ होगा, लेकिन इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब जेन्युइन क्वालिटी के, आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, साथ में आपकी स्किन को अच्छा करेंगे और आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। जो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लिनजिंग का। क्लिनजिंग के लिए मैं यहाँ पे अयूर हर्बल का डीप पोर क्लिनजिंग बल्क यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, ये हमारे बजट में भी है। तो इसकी जो क्वांटिटी है 100 ml है और प्राइस की बात करूँ तो 50 रुपीज़ है। तो जी हाँ, मैं इसे एज अ क्लिनजर यूज़ करूँगी। और तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से कॉटन बॉल लेना है, इसे हम थोड़ी सी क्वांटिटी में लेंगे। तरीके से आपको कॉटन लेना है, उस पर हम इस पर थोड़ा सा निकालेंगे जी हाँ, और हम अपने अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेंगे ताकि हमारे फेस पे जितनी भी धूल मिट्टी या दिन भर की जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी साफ हो जाए। इस तरीके से आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है जेंटली। इसकी बात करूँ फ्रेग्रेंस की तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है इस गर्मियों के लिए। जी हाँ, क्योंकि जो इसका टेक्सचर है मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में अगर ज़्यादा हैवी जिसे बोलूँ बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर का अगर आप क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पसीना आने लगता है। तो बेहाल से बहुत अच्छा है, सब स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा, नॉर्मल ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा। तो जी हाँ दोस्तों, क्लिनजिंग हमारी इस तरीके से आपको करना है। क्लिनजिंग हमारी हो चुकी है। हाँ दोस्तों, क्लिनजिंग हमारी हो चुकी है। क्लिनजिंग के बाद आप चाहे तो फेस वॉश कर सकते हैं, क्योंकि फेस वॉश से क्या होता है, क्लिनजिंग करने से सारी हमारी जो गंदगी होती है वो साफ हो जाती है और फेस वॉश यूज़ करने से आपकी डबल क्लिनजिंग हो जाती है। जी हाँ, मैं यहाँ पे फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, क्लीन एंड क्लियर का मॉर्निंग एनर्जी फेस वॉश। इसके बहुत सारे वैरायटी अवेलेबल है जो, लेकिन मैं यहाँ पे मॉर्निंग एनर्जी फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे बजट में भी है। इस रेंज में आपको बहुत सारे फेस वॉशेस मिलेंगे जो अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल फ्री है और गर्मी में जो हमारी स्किन भी होती है, स्पेशली टीनेजर की स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है। तो मैं यहाँ पे क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। तो आपको इस तरीके से लेना है इसे अपने हथेली पे, मैं आपको अपने इस तरीके से कुछ क्वांटिटी लेना है। मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और आपको इस तरीके से अपने फेस की अच्छे हाथ सर्कुलर मोशन में 1 से 2 मिनट के लिए आपको इस तरीके से हल्के हाथों से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। बस आप देख सकते हैं बहुत हल्का हल्का इसमें झाग, बहुत ज़्यादा ये फोमिंग फेस वॉश नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हल्के झाग बनते हैं, आप इसमें देख भी सकते हैं। मैं आपको इसे आपके सामने क्लीन करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, उसके बाद मैं अपने हाथों को वॉश कर लूँगी। तो जी हाँ दोस्तों, क्लिनजिंग हमारी हो गई। आप देख सकते हैं मेरा हाथ कितना साफ लग रहा है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है स्क्रबिंग का। जी हाँ, तो मैं स्क्रबिंग पे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये एवर यूथ का है, वॉलनट स्क्रब है। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है, ये सिर्फ टीनेजर्स के लिए भी नहीं, हम एडल्ट के लिए भी या जो 30s में, मतलब वो सबको इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और इसे मैंने बहुत बार यूज़ किया है। और सबसे खास बात इसकी ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये मेरे ख्याल से कितना इसका जो रेट है, 35 से 45 के आसपास है। जी हाँ, ये 32 रुपीज़ का, तो आप सोच सकते हैं आराम से टीनेजर इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि टीनेजर्स को ब्लैक हेड की प्रॉब्लम बहुत होती है और तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आपको स्क्रबिंग करनी, तो इस तरीके से आपको लेना है और अपने हाथ को, और जैसे मैं हाथ बता रही हूँ, आपको इस तरीके से अपने फेस को हल्का सा नम करना है ताकि आराम से स्क्रबिंग हो जाए। तो इस तरीके से आपको करना है, उसके बाद जेंटली अपने फेस को 1 से 2 मिनट के लिए स्क्रब करना है, बहुत ज़्यादा आपको रगड़ना नहीं। तो इस तरीके से आपको अपने फेस की हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है ताकि डेड सेल रिमूव हो जाए, ब्लैक हेड है तो उस तरीके की प्रॉब्लम खत्म हो जाए और ये आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगा, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया, मुझे ये बहुत पसंद है। तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा, बजट में भी है। तो इस तरीके से हमारी स्क्रबिंग होगी। अब हम इसे क्या करेंगे, आप चाहे तो इसे धो सकते हैं या किसी वेट टॉवल्स का इस्तेमाल करके पोंछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने क्लिनजिंग स्क्रबिंग के बाद ही मेरा हाथ कितना ज़्यादा साफ लग रहा है, अभी मैंने इस पर फेस पैक नहीं लगाया। तो जी हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो है फेस पैक। तो मैं यहाँ पे कोई भी मार्केट का फेस पैक आपको नहीं बता रही, जी हाँ, क्योंकि मैं चाहती रही थी कि आपको कुछ ऐसा बताऊँ जो इफेक्टिव हो। जी हाँ, मार्केट के आपको जो फेस पैक मिलते हैं मेरे ख्याल से उतने रेंज में आपको कोई सा बहुत अच्छा फेस पैक नहीं मिलेगा जो आपको इफेक्ट दे, और अंडर 50 रुपीज़ में आप खुद से ही घर पर बहुत अच्छा फेस पैक बना सकते हो, स्पेशली टीनेजर्स के लिए। तो मैं मुल्तानी मिट्टी लेंगे, यहाँ अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ, उसके बाद हम इसमें चंदन पाउडर ऐड करेंगे,
जी हाँ दोस्तों, चंदन पाउडर मैं आधे चम्मच के करीब ले रही हूँ उस तरीके से। और इसके बाद सिर्फ हम इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, हम थोड़ा सा नीम वाटर यूज करेंगे। जी हाँ, इसमें मैं आपको बता दूँ कितना सा ऐड करना है। इसका पेस्ट हम उसमें बनाएंगे। इस तरीके से आपको नीम वाटर लेना है, और आप देख सकते हैं तो मैंने इसे बनाया कैसे वो आपको बता दूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, नीम की पत्तियों को लेना है, उसे धो करके उसे बॉईल कर लेना है। जब आपका पानी बिल्कुल आधा रह जाए तो उस तरीके से इसको छान लीजिए। अब वो बहुत ही अच्छा काम करता है आपकी स्किन के लिए। अगर आप एज़ अ टूनर आप इसे यूज़ करते हैं, इस तरीके से फेस पैक में मिला करके यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और जिनके फेस पे रेगुलर एक्ने की प्रॉब्लम रहती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा। तो बस इस तरीके से हम इसमें डाल करके इसका अच्छा सा पैक बना लेंगे। जी हाँ, अब मैं आपको इसे लगाने का तरीका बताती हूँ। तो सिंपल आपको अपने हाथों से अप्लाई करना है, जैसे आप हम सारे फेस पैक लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको लगाना है। और आप इसे रेगुलर, क्या मैं बोलूँ, तो आप इसे एक बार यूज़ करके देखेंगे, आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। इससे आपके जो दाने हैं बिल्कुल जिसे बोलेंगे मुरझा से जाएंगे, क्योंकि इसमें नीम है और नीम में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, आपके दानों के लिए बहुत ही अच्छा है, ब्लड प्योरीफायर का भी काम करती है। तो इस तरीके से आप इसे अगर अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो बस इस तरीके से आपको उस फेस पैक को लगा लेना है ड्राई होने के लिए। तो दोस्तों, फेस पैक हमारा ऑलमोस्ट सूख गया है, ये हल्का सा नम है तो मैं इसे वॉश कर लूँगी। स्टेप आता है वो है टोनिंग। तो टोनिंग के लिए मैं यहाँ पे डाबर गुलाबरी का ये रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये नेचुरल है। और सबसे खास बात है, गर्मियों के लिए रोज़ वाटर बहुत ही अच्छा होता है, फ्रेशनेस ला के देता है आपके स्किन पे, जो टैनिंग हो सन इस तरीके की प्रॉब्लम उससे बहुत ज़्यादा रिलीव करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसे एज अ टोनर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको उसे लेना है, मैं डायरेक्ट अपने हाथ पे लेके आपको बता रही हूँ। तो आपको इस तरीके से लेना है और हल्के हाथों से इस तरीके से डैप करते हुए आपको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। और इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे स्किन में पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरीके से आपको टोनर लगाना है। तो एक दो सेकंड के लिए हम छोड़ देंगे सूखने के लिए। जी हाँ, तो लास्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है मॉइस्चराइज़र का। जी हाँ, मॉइस्चराइज़र में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं स्किन टोन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी फेस पैक बताए थे वो सारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग सूट कर सकते हैं। लेकिन जो फेस पैक बात आती है मॉइस्चराइज़र की, तो मॉइस्चराइज़र में जो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगी वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ, ये पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल है। आपको इसमें दो वेरिएशन मिल जाएंगे, आपको इसमें केसर चंदन भी मिल जाएगा, लेकिन ये ग्रीन एलोवेरा जेल है। और ये सॉरी, ये मैं आपको, ये आपके बजट से थोड़ा सा बाहर है, ये 90 रुपीज़ का है। तो इसका जो छोटा पैक आता है वो आपको 50 रुपीज़ के अराउंड 50 रुपीज़ मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये आपके बजट में भी है, बहुत ही अच्छा एलोवेरा जेल है। अगर आप बजट की बात करूँ तो ये आपके स्कार्स को रिमूव करता है, और गर्मियों में जैसे आपके फेस से जो ऑयल निकलता है उसको कंट्रोल करता है बहुत। इसको लगाने के बाद आपको ठंडक सी फील होती है, तो बहुत अच्छा है एलोवेरा जेल है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, तो आप मतलब हर स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। और टीनेजर है तो मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल ये एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनके फेस पे स्कार्स होते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी दो मैं आपको उसके साथ दिखाऊंगी मॉइस्चराइज़र, ये मेरे बजट में तो नहीं है, लेकिन हाँ बजट से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आपकी स्किन जैसे मैंने बताया उस तरीके की है, और आप टीनेजर से आपको समझ भी नहीं आ रहा कि इस गर्मी में आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, तो मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ अपनी तरफ से। तो आप ये जॉनसन की बेबी क्रीम है। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं मेरा जो ट्यूब है ये पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, ये बहुत ही अच्छी है। और बात करूँ तो 68 रुपीज़ बहुत ही लाइट है इसका। आप चाहे तो अगर आपको ये क्रीम हैवी लग रही है गर्मी से, आप इसका लोशन यूज़ कर सकते हैं, अपने फेस के साथ पूरी बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी है। और टेक्सचर मैं आपको दिखा दूँ इसका निकाल करके, मैंने सिखा दिया, मैं आपको हाथों पे निकाल के दिखा दूँ, तो बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही अच्छी है, आराम से आपकी स्किन में जज्ब हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं हो। और आप इसे गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको गर्मियों के हिसाब से ये थोड़ा सा हैवी लगती है तो आप लोशन यूज़ कर सकते हैं। और सबसे खास बात, ये सारी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मान लिया कि वो पैराबेन फ्री होते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा। और तीसरा लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको मॉइस्चराइज़र में दे रही हूँ, मैंने जैसे आपको बताया ये दोनों क्रीम आपको थोड़ा सा बजट से ऊपर पड़ेगी, लेकिन ये बहुत लंबा चल जाएगी आपकी, ये 68 रुपीज़ का था। और ये लास्ट ऑप्शन दे रही हूँ, ये आपके बिल्कुल बजट में, ये लैक्टोकैलामाइन लोशन। ये लैक्टोकैलामाइन लोशन जैसे मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही अच्छा है स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए है। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो देख सकते हैं आप, इसमें काउलिन क्ले है, एब्जॉर्ब ओनली एक्सेस ऑयल, मतलब ये आपकी स्किन से जो एक्सेस ऑयल होता है सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करेगा, नेचुरल ऑयल है उसको बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं बनाता, बहुत ही अच्छा। एंड काउलिन क्ले है, आप समझ रहे हैं तो कितना अच्छा है। और ये बहुत ही अच्छा डेली फेस केयर लोशन है, आप इसे मॉर्निंग इवनिंग किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है एंड अफोर्डेबल भी है। प्राइस की बात करूँ तो देख सकते हैं 75 रुपीज़ है, तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा बजट के ऊपर है, लेकिन आप इतना कर सकते हो क्योंकि आजकल 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल से बहुत ही अच्छा है, आपको
आप चाहे तो इन तीनों में से कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। मैंने तीनों यूज़ किए हैं, इसलिए मैंने आपको सजेशन दिया कि आप इसमें से कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। और ये तीनों मॉइस्चराइजर गर्मी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लैक्टो कैलमेल लोशन में आपको नॉर्मल कॉम्बिनेशन हर स्किन टोन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो ये तीनों फेस पैक आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, यानी मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट जो भी मैंने यूज़ किए अगर आपको पसंद आए होंगे, तो आप उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ बिल्कुल इसे शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चल सके कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट उनके स्किन के लिए अच्छे हैं, उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए। सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।